सो प्लस टू क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोस्फीयर। ओके सो लाइफ जो है तुम्हें पता कि एग्जिस्ट करती है सिर्फ कितने, सिर्फ धरती के उत्ते ही एग्जिस्ट कर रही है लाइफ, किसी होर प्लैनेट के उत्ते लाइफ नहीं है। सो बहुत सारिया फिजिकल कंडीशन है जिड़िया कि लाइफ को पॉसीबल बना दी अर्थ के उत्ते, फेवरेबल कंडीशन लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए, है ना। ठीक है, सिर्फ एरिया सब तो पहले गल है कि एरिया बहुत ज़्यादा है अर्थ का, है ना। ठीक है, सो हर एक तरह का इनवायरमेंट जो है पॉसीबल भी नहीं हो सकता लाइफ के लिए, है ना। ठीक है, जिदा कि जो लैंड के उत्ते रहन वाले ऑर्गेनिजम है वो पानी के नहीं रह सकते हैं, है ना। सो अलग अलग कंडीशनस भी चाहिए लाइफ के लिए। सो आल द लिविंग ऑर्गेनिजम एंड आल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमोसफीयर इनहिबिटेड बाय दैम टूगैदर विद वेरियस फिजिको कैमिकल फैक्टर्स प्रिवेलिंग इन दीज रीजनस फॉर्म द बायोस्फीयर, या फिर असं कह सकते हैं संसार के जिन्हें भी रीजन, ठीक है, जिथे कि लिविंग ऑर्गेनिजम है, तो नाल नाल तुहानू ए बायोटिक इनवायरमेंट, उहदे तुहानू पता ही है कि इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट बायोटिक ते ए बायोटिक, ये जो सारा कुछ है दुनिया के उपर, यह सारा मिलकर की बना रहे हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर नू होर की कहिंदे आ, इकोस्फीयर भी कहिंदे आ। ओके ठीक, सो बायोस्फीयर का जो कंसैप्ट सीगा, सो एक जोलॉजिस्ट सीगे एडवर्ड स्वेस, उन्होंने 1875 के कंसैप्ट दिता सी बायोडाइवर्सिटी का। सो इन्हू अगे प्रमोट किया गया, ठीक है, अगे भी इनू प्रैफर किया गया रशियन जो सीगे मिनरोलॉजिस्ट सीगे वर्नडैसेकी, है ना। सो उन्होंने 1926 के इस कंसैप्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, सो एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर जेकर असी पूरी अर्थ के उपर देखिए, सो लाइफ जिहड़ी हैगी है, सो एक जे असीं कह लईए कि अर्थ के सरफेस के उत्ते, है ना, सो एक थिन शैल जिहड़ा हैगा प्रेजेंट है, लाइफ जिहड़ी है उस फॉर्म के विच प्रेजेंट है। सो 20 किलोमीटर तक थिक प्रेजेंट हैगा ये थिन शैल जिहड़ा हैगा, सो 24 किलोमीटर तक थिक है, है ना। लाइफ जिहड़ी हैगी तुहानू ओशन के विच भी तुहानू बायोस्फीयर देखण दे लई मिलेगा, तकरीबन 9000 मीटर तक धरती के थले, 300 मीटर तक, तो हवा के 15000 मीटर तक जिहड़ी हैगी आ तुहानू बायोस्फीयर नज़र आएगा, है ना। ठीक है, सो एयर सी लैंड इन दे विच कार जो इंटरफेसिस हैगे आ ना, उत्थे तुहानू बहुत ज़्यादा लाइफ दिखाई देखण नू मिलेगी, है ना। सो जिदा कि बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाइए उदो कंडीशन थोड़ियाँ डिफरेंट हो जाएगी, टैंपरेचर लो हो जाता, कार्बन ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जी है घट जाती है, कोसमिक रेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उत्थे लाइफ पॉसीबल नहीं है। ठीक है, लाइफ बायोस्फीयर के लाइफ तुम हर जगह देखने के लिए मिलेगी, जिदा तुम्हें पता पोलर रीजन से भी लाइफ देखने मिल जाती है, हॉट स्प्रिंग्स के भी मिल जाती है। ठीक है जी, सो इनवायरमेंट कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए हर जगह दियाँ, उत्थे तुम्हें लाइफ देखने के लिए मिलेगी ही, है ना। ठीक, सो बायोस्फीयर जो है ओपन सिस्टम हैगा कि क्लोज्ड सिस्टम है, है ना। सो एज ओपन एज वैल एज अ क्लोज्ड सिस्टम, ये ना दो गल्लां कीतियां हुई, एक तो तुहानू थोड़ा दस्या होया मैटर के बारे च, एनर्जी के बारे च, ये टॉपिक तुहानू अगे जाके भी आना, तुसीं इत्थे इहनूं आसान समझ लो। सो मैटर एंड एनर्जी इन द बायोस्फीयर है, उही गल इत्थे हुण चलन लगी है ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम के लिए, है ना। ठीक, सो बचे मतलब क्लोज्ड सिस्टम असीं किहनूं कहांगे, है ना। सो जिहदे जिस सिस्टम के अंदर ना तो कोई बाहरों चीज़ अंदर आ रही है, तो ना ही कोई अंदरों चीज़ बाहर जा रही है, ओपन सिस्टम वो होएगा जिथे कुछ ना कुछ इनपुट भी हो रही है तो आउटपुट भी हो रही है। कहिंदा कि बायोस्फीयर जिहड़ा हैगा ना, तुसीं उहनूं एक बैलेंस्ड एक्वेरियम मन के चलो, है ना। हुण एक्वेरियम कच दा बनिया हुंदा, सारे बच्चों नूं पता होना, है ना, वो बाहर वाले संसार तो एक कच की जिहड़ी वॉल है उहदे द्वारा ही सैपरेट हो रहा। इसे तरीके दे नाल बायोस्फीयर बाकी प्लैनेट्स तो कितना डिफरेंट है, क्योंकि इतने स्पेस बहुत ज़्यादा हैगी है ना। ठीक है, सो ज़्यादा करके जी बायोस्फीयर है, ठीक है, जो ताड़ी अर्थ हैगी है, है ना, सो वो की कर रही है, बाहरों की कोई ज़्यादा मटीरियल रिसीव नहीं कर रही, समझते पे हो, उसके अंदर कोई इनपुट नहीं हो रही, आउटपुट भी बहुत घट हो रही है, जिवें कोई कोई डस्ट पार्टिकल्स अंदर एंटर कर गए हैं, मीटियोराइट्स जिहड़े हैगे हैं, पता ही तुहानू मीटियोराइट्स की हुंदे हैं, है ना। सो रॉक का कोई टुकड़ा जिहड़ा हैगा टुट के सो स्पेस तो धरती दे नाल आके टकराया हैगा, उनू असी मीटियोराइट्स कहिंदे आ, है ना। सो अर्थ जिहड़ा है उनू असी तकरीबन की मनदे आ, क्लोज्ड सिस्टम ही मनदे आ, क्योंकि इन्नी ज़्यादा इनपुट ते आउटपुट नहीं हो रही है, है ना। सो जिहड़ा बैलेंस्ड इक्वेरियम दी असी गल कीती है, उहदी सराउंडिंग दे नाल किदां उहनां दा तालमेल हैगा, ठीक है। सो असी लाइट सन लाइट जिहड़ी हैगी असी रिसीव करदे पए आ, नहीं मर एनर्जी जिहड़ी हैगी आ लाइट एनर्जी असी वातावरण तों लै रहे हां,
है ना। सो बहुत थोड़ी एनर्जी जी है प्रोड्यूसर्स यूज़ करते, तुम्हें पता जिनी एनर्जी धरती के उत्ते सूरज की पहुँचती है सारी की सारी थोड़ी इस्तेमाल हो जाती है ना। बहुत घट जी एनर्जी है प्रोड्यूसर्स यूज़ करते फोटोसिंथेसिस के लिए है ना, बाकी जी है हीट की फॉर्म के वापस चली जाती है। सो ट्रैप्ड जी हुई पी एनर्जी जी है ना, जो असी एनर्जी ट्रैप कर भी ली है फोटोसिंथेसिस की प्रोसैस के है ना, वो फिर तो दोबारा लॉस्ट हो जाती है नॉन लिविंग वर्ल्ड के हीट की फॉर्म के, इस करके असी अर्थ जी है ना उन्होंने असी ओपन सिस्टम मान सकते हाँ ठीक है। इतने असं अर्थ को की मान सकते हैं ओपन सिस्टम मान सकते हैं। मैं उपर मैं कहा कि अर्थ जी है वो क्लोज्ड सिस्टम हैगी है, जेकर असी मटीरियल की गल करते हैं जेकर असी एनर्जी की गल करते हैं तो इतने असी की कह रहे हैं अर्थ को ओपन सिस्टम कह रहे हैं, समझते पे हो ना। सो क्यों, क्योंकि सनलाइट आ भी रही है तो एनर्जी जी है लॉस्ट भी हो रही है हीट की फॉर्म के, इस करके ओपन सिस्टम भी है ना। मटीरियल्स इन्ने ज़्यादा एंटर नहीं कर रहे हैं, थोड़े बहुते जी है मतलब आउटसाइड तो रिसीव थोड़े बहुते मटीरियल नू कर पा रहे हैं, इस करके क्लोज्ड सिस्टम भी है। सो दोनों चीज़ा है ने, बायोस्फीयर ओपन भी है तो क्लोज्ड भी है। किसी भी बायोस्फीयर का लाइफ स्पैन नैचुरली कहता कि डिपेंड करता कितने उत्ते, लाइफ स्पैन ऑफ सन के उत्ते डिपेंड करता है ना। मेनटेन करके किस तरीके रखना है, देखो भी हूँ न्यूट्रिएंट्स जिहड़े आ इह तां नहीं ना कि खत्म ही हो जाएंगे, इन्ने ज़्यादा तुसीं न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़े है। सो बायोस्फीयर उत्ते लाइफ को मेनटेन करके रखने के लिए एक तो न्यूट्रिएंट साइकलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो न्यूट्रिएंट्स जिहड़े हैगे आ वो दोबारा मिलते रहन, ते एनर्जी डिसिपेशन ये दोनों इंपोर्टेंट प्रोसैसिज हैगियां ने है ना। सो कोई भी मटीरियल जिहड़ा हैगा लाइफ के लिए चाहिए, जिवें कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वगैरह लिमिटेड अमाउंट के प्रेजेंट है लिविंग ते नॉन लिविंग एनवायरमेंट के विचकार, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल यही होंगे ना न्यूट्रिएंट साइकलिंग जिहड़ी है ठीक। सो स्ट्रक्चर बिल्ड करन दे लई फंक्शनिंग दे लई मटीरियल की जरूरत पैंदी है। सो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े हैगे आ जिवें कि प्रोड्यूसर्स जिहड़े आ सनलाइट लैंदे आ, फिर उन्हां नूं हर्बीवोर्स खा लैंदे, उन्हां नूं फिर कार्निवोर्स खा लैंदे आ नहीं। सो इस तरीके दे नाल फिर डीकंपोजर्स जिहड़े हैगे सारे एनीमल प्लांट मर जांदे, उन्हां नूं डीकंपोज करते हैं, फिर तो दोबारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के प्लांट्स लै लेंगे। सो इस तरीके दे नाल साइकलिंग बहुत जरूरी है न्यूट्रिएंट्स की, एनर्जी डिसिपेशन है ना। फिर उही गल आ जाती है अर्थ तो, अर्थ ने रिसीव की हैगी है एनर्जी जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन तो, हीट की फॉर्म के भी लाइट की फॉर्म के भी है ना। सो एक ट्रॉफिक लैवल तो दूसरे ट्रॉफिक लैवल तो असं जाने जदों एनर्जी हर बार ही ट्रांसफर हो रही है, समझते पे हो 10% है ना, बाकी सारी जी है फिर तो दोबारा लॉस हो रही है एटमोसफीयर के। देखो एनर्जी एज ए लाइट ली है ना, बायोस्फीयर के लिविंग ऑर्गेनिजम ने भी ली है तो उन्हों तो नॉन लिविंग इनवायरमेंट ने लै ली है, फिर तो दोबारा इनऑरगैनिक मैटर तो, फिर तो दोबारा ऑरगैनिक मैटर बन गया, एनर्जी जी है लॉस हो गई है ना, लाइट की फॉर्म के हीट की फॉर्म के लॉस भी हो गई है। देखो जिवें सन ग्रीन प्लांट्स उन्होंने एनिमल्स ने खा लिया, उन्होंने उत्ते माइक्रोब्स ने डिके किया तो हीट प्रोड्यूस हुई है। सो साइकल एनर्जी का जो मूवमेंट ऑफ मैटर हो रहा उन्होंने असी साइकल कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ जी एनर्जी हो रही असं उन्होंने फ्लो कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी है ना ठीक है, साइकलिक यूज ऑफ मैटर, समझते पे हो ना। सो जो भी मैटर हुंदा है ना ठीक है, सो उहदी की हुंदा साइकलिंग हो रही है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ये दोनों प्रोसैस जिहड़ियां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगियां ने है ना मेनटेनेंस के लिए बायोस्फीयर के। हुण बायोस्फीयर जिहड़ा हैगा ठीक है, सो उहनू डिवाइड किया गया है तीन जोन्स के विच, उहनू डिवाइड किया जाता एटमोसफीयर लिथोसफीयर ते हाइड्रोसफीयर ठीक है। सो एटमोसफीयर की है, गैसां दा एक इनवेल्प है ठीक है, साढ़े धरती के आले दुआले पानी के आले दुआले उपर तुहानू एटमोसफीयर देखने के लिए मिलेगा, जिहड़ा कि 80 किलोमीटर तक है, समझते हो यूनिफॉर्म है एक जिहा ही रहिंदा एटमोसफीयर, मतलब ज़्यादा नहीं वध घट नहीं हैगी परसेंटेज जिहड़ी है, तकरीबन एटमोसफीयर की कंपोजिशन जी है वो एक जी रहती है 80 किलोमीटर तक है ना। जिदा जिदा असं हायर लैवल पर जाई जाने गैसिज लाइट होंदिया जाएँ ने, तो तुम्हें गल्ला पता ही है छोटिया क्लासिज के भी आ जाता एटमोसफीयर अर्थ के नेड़े ज़्यादा डेंस हों, जिदा जिदा तुम उतों अवे जाई जा रहे हो रेयर हों जा रहा, एटमोसफीरिक प्रैशर भी अर्थ के नेड़े ज़्यादा जिदा तुम अवे जाते हो अर्थ तो उपर जाते हो ठीक है जी, एटमोसफीरिक प्रैशर घटता जाता। इस तरीके 25 to 50 किलोमीटर की उचाई के उत्ते ओजोन लेयर प्रेजेंट हैगी है एटमोसफीयर के विच, जो कि स्क्रीन का काम करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्स तो बचाती हैगी है ठीक है। एटमोसफीयर दिया ही हूँ समझते पे हो मैं की पढ़ा रही हूँ, बायोस्फीयर की सब डिवीजन समय ठीक है। सो बायोस्फीयर जिहड़ा हैगा थ्री लेयर्स के डिवाइडेड है, थ्री पार्ट्स के डिवाइडेड है, एटमोसफीयर लिथोसफीयर ते हाइड्रोसफीयर है ना। एटमोसफीयर के बारे में तुहानू दस दिता
ओजोन लेयर प्रेजेंट हैगी है, ठीक है, कितने एटमोसफीरिक प्रैशर धरती के नेड़े ज़्यादा है, कितने घट है, ठीक है। सो एटमोसफीयर जोड़े है चार मेन लेयरस होंगे ने, थलों की शुरू हो जाना आप सब तो पहला ट्रोपोसफीयर, फिर स्टैटोसफीयर, फिर मीजोसफीयर, फिर थर्मोसफीयर। समझते पे हो, ट्रोपो स्टैटो मीजो थर्मो। ट्रोपोसफीयर कितनी ऊंचाई ते है तुहाडे तो 16 किलोमीटर, स्टैटोसफीयर जी हैगी 16 to 50 किलोमीटर के बच्चे है, मीजोसफीयर जी हैगी 15 to 85 किलोमीटर है, तो जी थर्मोसफीयर होंगी ना 85 तो अबव तुम चले जाओ उत्थे एटमोसफीयर का किहड़ा पार्ट है, थर्मोसफीयर है। समझते पे हो, इहदा मतलब कि सिर्फ बायोसफीयर का हिस्सा किहड़ी लेयर बनाती पई एटमोसफीयर की, सिर्फ ट्रोपोसफीयर 16 किलोमीटर तक ना, उहदे तो बाद की हो रहा वातावरण के सानू नहीं पता लगेगा। समझते हो ना, ये लेयरस जिहड़ियां साडे एटमोसफीयर दे साडे कंटैक्ट च नहीं हैगियां, सिर्फ ट्रोपोसफीयर नज़र आती सानू। दूसरा तुहाडे कोल बायोसफीयर का पार्ट आ गया लिथोसफीयर, हार्ड पार्ट, सोलिड पार्ट जिहड़ा हैगा अर्थ दे क्रस्ट का, है ना। सो ये अर्थ लिथोसफीयर कितना मोटा हैगा, 20 किलोमीटर हैगा, है ना, ठीक है। सो धरती जिथे तुसीं रह रहे हो वो सारा लिथोसफीयर हैगा, लिविंग ऑर्गेनिजम भी आ जाते हैं समझते बायोसफीयर दे। सो अपर लेयर जिहड़ी हैगी अर्थ क्रस्ट की, जिहनूं असीं सोइल कहिंदे आ, अर्थ दे क्रस्ट दे विच बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैगे आ, ऑरगैनिक मैटर भी प्रेजेंट है। तीसरा तुहाडे कोल आ गया हाइड्रोस्फीयर, ठीक है जी, एटमोसफीयर, लिथोसफीयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना। सो वाटर रिजर्वायर है, नियर अबाउट कहते अर्थ का 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर ना, ओशनस, रिवर्स, स्टीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। सो ओशनस के सी जे ग्रेटर पार्ट बना रहे हाइड्रोस्फीयर का, है ना, ज़्यादा एरिया पानी का यह है ओशनस के सीज जे है ना। सो एटमोसफीयर के भी वाटर पेपरस की कंडेंसेशन, क्योंकि एटमोसफीयर वाटर पेपर होंगे ही है, उन्होंने कंडेंसेशन तो बने, ठीक है ना। जो धरती जी बहुत ठंडी हो गई उदो ओशनस के जोड़े सीज बने से एटमोसफीयर के वाटर पेपर की कंडेंसेशन तो, है ना। सो यदा मतलब कि ये ओशन के सी पहला तो बिल्कुल फ्रैश वाटर से, बाद रिवर्स जड़ियाँ रॉक्स तो साल्ट अपने नाल लैके आ गई, तो ओशन मिक्स कर दिता, साल्ट कंसनट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई, है ना, ठीक है। सो ये तीन जड़े है ने सब डिवीजनस बायोसफीयर दियाँ, एटमोसफीयर, लिथोसफीयर, हाइड्रोसफीयर। ये चीज़ बच्चे मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हाँ, फिर तो दोबारा ये इन्होंने यही दसिया मैटर की है, एनर्जी की है, हर चीज़ मैटर है, स्टार्स, प्लैनट्स, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, ब्रिक्स, बुक्स, ऑटोमोबाइल, सारे ही मैटर के आ जाते, जेडे कि सोलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट हो सकते हैं। एनर्जी तुम्हें दसिया ही है, अल्टीमेट सोर्स जोड़ा है, ठीक है, एनर्जी का कपैसिटी टू डू वर्क, डेफिनेशन देनी हो कपैसिटी फॉर डूइंग वर्क, है ना, लाइट, हीट, साउंड, इलैक्ट्रिसिटी, मैगनेटिजम, ये सब जड़ियाँ एनर्जी दियाँ ही फॉर्म है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, साइकलिंग ऑफ मैटर हो रही है वातावरण के विच, इकोसिस्टम सर्विसिज, है ना। एक हैल्दी इकोसिस्टम जिहड़ा हैगा तुहानू बहुत सारिया सर्विसिज प्रोवाइड करता, कई तरह के इकनोमिक, इनवायरमेंटल, है ना, अस्थैटिक गुड्स वाली सर्विसिज प्रोवाइड करता। सो असी कह सकते हैं इकोसिस्टम सर्विसिज रैफरस टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसैसिज, है ना, इकोसिस्टम के बहुत सारिया प्रोसैसिज हुई, ठीक है। तो बहुत सारे तुहानू प्रोडक्ट्स मिले, जिवें कि वह कहिंदा फोरैसट, किहड़े बच्चे नूं नहीं पता कि फोरैसट बहुत वड्डे इकोसिस्टम है, एयर, वाटर, ठीक है ना। सो वो तुहानू प्रोवाइड कर रहे हैं फोरैसट जिहड़े हैगे आ, फ्लड्स, ड्रॉट्स जिहड़े पैदा उन्हां तों तुहानू बचाव करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकलिंग हुंदी रहिंदी है ना, न्यूट्रिएंट्स की वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत वड्डा हैबिटैट हैगे ने, है ना। सो कार्बन का बहुत वड्डे स्टोरेज साइट हैगी है, कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हुंदियां बहुत सारे, जिहड़े ट्रीज हैगे उन्हां दी पूजा की जाती है ना, ठीक है। सो जिवें तुलसी हो गए हैं, ठीक। सो फोरैसट जिहड़े बायोडावर्सिटी मेनटेन करके तो रखते ही है, बहुत सारी बायोडावर्सिटी तुहानू प्रोवाइड करते, सोइल की फर्टिलिटी भी मेनटेन करके रखते, इस करके रॉबर्ट कॉन्सटेंजा जिहड़े सीगे ना, तो उन्होंने बहुत सारे जिहड़े साथी सीगे, उन्होंने बहुत सारे लाइफ सपोर्ट, लाइफ नू सपोर्ट करन दे लई जिहड़ियां सर्विसिज सीगियां उन्होंने उत्ते नेचरज़ लाइफ सपोर्ट का टैग जिहड़ा प्राइस टैग जिहड़े उन्होंने लगाने चाहे है, है ना, भी जिहड़े तुहानू इन्ने ज़्यादा फैसिलिटीज सर्विसिज प्रोवाइड करते पे नेचर के जिहड़े प्रोडक्ट है। सो उन्होंने उन्होंने कुछ प्राइस जिहड़ी हैगी फिक्स की, है ना। जिस तरह उन्होंने कहा कि भी कोई भी जी कंट्री हैगी है, जेकर वो फर्टाइल सॉइल ना हुई, फ्रैश वाटर ना होया, वो कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, समझते पे हो, फ्रैश एयर जी है तुम्हें नहीं मिल पाएगी ना। सो ये उन्होंने सारी कोस्ट लगाई गई, $33 ट्रिलियन जोड़े है ना एक साल के मतलब इन्नी कोस्ट हो जाती है इन्हों इकोसिस्टम सर्विसिज प्रोवाइड करन के लिए, समझते हो। ऑल दीज इकोसिस्टम सर्विसिज मे कोस्ट $33 ट्रिलियन अ ईयर,
ਸੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਓ ਮੀਨਸ ਲਿਵਿੰਗ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? WG Rosen ਨੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੂ ਕੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟਰਮ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, WG Rosen ਇਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਂਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਟ ਅਰੇ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਐਲਗੀ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਅਕਰਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਗੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਐਂਡ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆਫ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਏ ਪਾਰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਪਲਾਂਟ, ਐਨੀਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ 3 ਲੈਵਲਸ ਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ DNA ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ 99% ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ DNA ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ 1% DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ 700 ਤੱਕ ਜੀਨਸ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਈਕੋਲਾਈ ਦੇ ਕੋਲ 7200 ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਅਲੀਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂਗੋ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂਗੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਮੈਂਗੋ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੀ ਅੰਬ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਅੰਬ ਹੈ, ਕੁੱਪੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਈਸ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਸਮਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਿਵੋਲਫੀਆ, ਵੋਮੀਟੋਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਸਰਪਾਈਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਰੇਂਜਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨੋ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਮੋਰਫਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪੈਟ੍ਰਿਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੰਪੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਲੇਸਡ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
सिमपैट्रिक दे विच इन्नी ज़्यादा सैपरेशन नहीं होंदी है ना, ठीक है। सो सब स्पीसीज प्रेजेंट हैगियां ने, ठीक है, जिहड़ियां कि अलग अलग पापूलेशन बना रही ने, जियोग्राफिकली अलग अलग पापूलेशन बना रही। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी तुहानूं रॉ मटीरियल प्रोवाइड करती है अडैप्टेशन दे लई, वी तुसीं अलग अलग इनवायरमेंटल चेंजेस नूं अडोप्ट कर सको ते न्यू लाइफ फॉर्म्स जिहड़ियां अराइज कर सकन। समझते पे हो, ठीक है। सो जेनेटिक लैवल दे उत्ते बायोडाइवर्सिटी जिहड़ी है ओह सब तों पहली डाइवर्सिटी है। अगर साढ़े को आ जाता स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं, सो ये तुम्हें की देखना है स्पीसीज वरायटी किन्नी हैगी है ना, ठीक है। सो नंबर दे विच किन्नी तरह दियां वरायटीज़ है साढ़े को, स्पीसीज किन्नी तरह दियां हैं, ठीक है। साढ़े को रिचनेस ऑफ स्पीसीज जिहड़ी हैगी किन्नी है, ठीक है। सो जिवें कि बिग कैट, टाइगर, लॉयन, स्नो लियोपर्ड वगैरह जिहड़े आ, तुहानूं पता इन दा जीनस सेम है पैंथीरा है ना, ठीक है, पर इन दी स्पीसीज अलग अलग है। समझते पे हो भी जिदा लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड तुहानूं देखण दे विच इक जे लगणगे पर अलग अलग स्पीसीज इन दीआं, जीनस सेम है। इस तरीके नाल पोटैटो, टोमैटो जिहड़े हैगे आ इन्हां दा जीनस सोनेनम है, पर इह दोनों एक दूसरे तो डिफर है ना। आलू अलग तरह की सब्जी हैगी है, टमाटर अलग तरह की है, ठीक है। स्पीसीज अलग अलग हो गई, जीनस सेम हो गया। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी दे विच असीं दो मेन गल्लां वल ध्यान देना हैगा, ठीक है। सो एक की हो गया स्पीसीज रिचनैस, तो एक स्पीसीज ईवननैस। स्पीसीज रिचनैस मतलब किसी यूनिट एरिए दे विच नंबर ऑफ स्पीसीज किनिया हैगियां, ठीक है। सो किसी भी एरिए दे विच, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैगा इनक्रीज़ करता जाएगा नैचुरली, जिन्ने ज़्यादा नैचुरल सोर्सिज अवेलेबल होणगे, नहीं जिथे सानू फैसिलिटीज मिलनगियां असीं उत्थे जाके रहांगे। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिहड़े हुंदे आ डिफरेंट स्पीसीज दे वेरी करते रहिंदे आ, है ना, उदों आ जांदी ईवननैस जां फिर इक्वैलिटी, है ना। ईवननैस का मतलब, ठीक है, सो एक हर एक स्पीसीज़ की किन्नी अबंडेंस है। हुण मैं तुहानूं समझांदी हां ईवननैस। रिचनैस का मतलब तुहानूं समझ आ गया किसी एरिए दे विच, ठीक है, किन्नियां क स्पीसीज़ हैगियां, किन्नियां ज़्यादा वो नैचुरल रिसोर्सिज़ दे नाल भी बदलगियां, है ना। ईवननैस का मतलब एक जिहियां स्पीसीज़ किन्नियां, देखो तुहानूं इत्थे बहुत अच्छी एग्जाम्पल दित्ती हुई है, कोई एरिए दित्ते हुए तुहानूं 1, 2, 3, है ना। हुण इस एरिए दे विच देखो ईवननैस इन्नी नहीं है, स्पीसीज़ रिचनैस हैगी है पर ईवननैस नहीं है इन्नी, क्यों, क्योंकि मान लो ये स्पैरोज है ना। सो चार जिहड़े हैगे बर्ड जिहड़े हैगे वो एक तरह के है, समझते पे हो, एक बिल्कुल अलग है, एक बिल्कुल अलग है। 4+1+1 है ना, ठीक है। 3 स्पीसीज, 3 तरह दी स्पीसीज हैगियां इन्हां बर्ड्स दियां, ठीक है। सो इत्थे स्पीसीज़ रिचनैस है क्योंकि 3 तरह दियां अलग अलग स्पीसीज़ दियां तुहानूं कह लो बर्ड मिल रहे हैं, है ना। अच्छा, इत्थे की हो गया, इत्थे ईवननैस वधी है, क्यों, क्यों, क्योंकि 2, 2, 2 हर एक 3 तरह दी जिहड़ियां जो भी बर्ड है जां स्पैरो है, ठीक है ना। सो बर्ड जिहड़े हैगे 3 तरह दे है, पर तिन्हां दा नंबर बराबर बराबर है, 2, 2, 2, इत्थे नहीं ना बराबर, इत्थे बराबर है, इत्थे सब तो ज़्यादा ईवननैस है। अच्छा, तीसरा एरिया जिहड़ा हैगा ना, इत्थे तुहानूं डाइवर्सिटी देखण दे लई मिलेगी, क्यों, क्योंकि आ बर्ड नहीं हैगे इत्थे सिर्फ, इत्थे बहुत डिफरेंट टाइप दे अलग अलग तरह दे तुहानूं जानवर देखण लई मिले है। इत्थे हाथी भी है, इत्थे स्पैरो भी है, इत्थे इनसैक्ट भी है, गल समझ गए। इस एरिए दे विच तुहानूं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखण नूं मिली, समझ गए गल नूं। इत्थे तुहानूं स्पीसीज रिचनैस देखण नूं मिली, इत्थे तुहानूं ईवननैस देखण दे लई मिली, इत्थे तुहानूं डाइवर्सिटी मिली। हुण इत्थों तुहानूं फर्क पता लग गया होणा स्पीसीज़ रिचनैस का ते स्पीसीज़ ईवननैस का, ठीक है जी। सो फिर तुसीं पढ़ांगे कम्यूनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, ये कि सारी तरह के इकोसिस्टम लै लैने बच्चे, पूरी कम्यूनिटी के सारे तरह के तुम इकोसिस्टम लैने, चाहे वह टेरेस्ट्रियल है चाहे वह एक्वेटिक है ना। इनू कहें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। फ्रैश वाटर इकोसिस्टम जोड़े है जिदा लैंटिक जिद पोंड लेक सारे पते पड़े हुए हैं, है ना, बायोम्स। लॉटिक के स्टीम्स तो रिवरस आ जाते हैं, वैटलैंड को मार्शिज बॉग्स आ जाते हैं, है ना। मैरीन इकोसिस्टम के ओपन ओशनस, ठीक है, बहुत सारे कोस्टल इकोसिस्टम्स आ जाते, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स जिहड़े आ जाते हैं, है ना। सो पूरी इकोलॉजी जां फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जिहड़ी हैगी है, सो नैचुरली तुहानूं उहदे च बहुत सारे, क्योंकि बहुत जाने आ गए ना उहदे अंदर, ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स इकट्ठे हो गए हैं, है ना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे विच, ठीक है। सो इस करके तुहानूं उह 3 तरह की है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जिहड़ी हैगी है, अल्फा, बीटा ते गामा, ठीक है जी। सो अल्फा डाइवर्सिटी आ देखो डायग्राम, देखो तुहानूं सारा समझ आ जाना। देखो बच्चे, एक सर्कल दे अंदर ही इन्ने की ट्री है, इन्हां दे अंदर जिहड़ी आपस दे विच डाइवर्सिटी होएगी तकरीबन, मतलब 5 तरह दे ट्री इन्हां दे आपस दे विच जो कम्यूनीकेशन हो रही है ये अल्फा डाइवर्सिटी हैगी है, है ना। अच्छा, ठीक है। सो एक होर इन्हां वर्गे ही होर सर्कल लै लिया, एक होर एरिया लै लिया इन्हां दोनों दे विचकार, ठीक है, जिहड़ी तुहानूं डाइवर्सिटी नज़र आएगी वह बीटा डाइवर्सिटी नज़र आएगी, ठीक है।
समझ पे हो, द नंबर ऑफ स्पीसीज अल्फा दे विच क्या जाना, द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन कम्यूनिटी, एक कम्यूनिटी के अंदर ही है ना, ठीक है। सो बीटा दे विच तुहाडे कोल की आ जाना हैगा, रेंज ऑफ कम्यूनिटीज ड्यू टू द रीप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ द हैबिटैट्स एंड कम्यूनिटी विद इन ए जियोग्राफिकल रीजन, एक होर कम्यूनिटी आ गई है उन्होंने दोनों के विचकार, ठीक है, जी डाइवर्सिटी होएगी दो एरिया के विचकार, ठीक है ना, उत्थे जिहड़ियां स्पीसीज इस एरिए दे विच होर स्पीसीज प्रेजेंट है, इस एरिए दे विच भी होर स्पीसीज प्रेजेंट है, उन्होंने विचकार जी होएगी बीटा, तो फिर गामा कि होगी, समझते हो, पूरे एरिए दे विच आ देखो गामा, गामा डाइवर्सिटी इन दे विचकार भी है, इन्हों के विचकार, इत्थे देखो इत्थे एक तरह के प्लांट्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है। सो पूरे एरिए दे विच पूरे च, ठीक है, जिहड़ी डाइवर्सिटी होएगी गामा डाइवर्सिटी होएगी, ठीक है। सो इट रैफरस टू द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट इन द होल जियोग्राफिकल रीजन, समझते हो, उन्होंने असं की कहें गामा डाइवर्सिटी कहें, ठीक है। सो इत्थे तक तुसीं वीडियो नूं ध्यान दे नाल सुनना है।